दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। कुछ दिन के लिए आपका कमरा हमें सोने के लिए दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमी किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी ननद निशा वहां आई। उसने कहा, भाभी, आपके जीजा जी कह रहे थे कि क्यों ना हम लोग कुछ दिन के लिए आपके कमरे में रहे, देखे कि आपके कमरे में कैसा लगता है। भाभी के कमरे में रहे ये सुन पहले तो सुमी सौकी, फिर सोचने लगी कि क्या जवाब दूं। अभी तो उसकी शादी के 1 महीने भी नहीं हुए हैं, ये कैसी मांग है। पर निशा तो उसके पास डटी खड़ी हुई थी, उसकी हाँ सुनने के लिए उसकी समझ में ना आया कि ये कैसा बचपना है। मना भी नहीं कर सकती थी, सोचा मजाक कर रही होगी। उसने हाँ बोल दिया। उसके बोलने को निशा ने हाँ समझा। फिर जब वह वहां से चली गई, वह अपनी शादी के दिन को याद करने लगी। जब वह इस घर में विदाई करके आई थी, शाम को जब उसे उसके पति के कमरे में ले जाया गया, उस समय लाइट नहीं थी, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज आंधी आई थी। इस कारण से बिजली कटी हुई थी, ना तो उसके कमरे में कोई सजावट हुई थी। उसके पति कुछ सकुशानी से लगे। उन्होंने कहा कि या झाड़ू भी नहीं लगा है। कहा तो उसने पिक्चरों में देख रखा था कि नई बहू के कमरे को पहले दिन सजाया जाता है, और या झाड़ू का नामो निशान नहीं। क्या उसकी शादीशुदा ननद, जो 2 बच्चों की माँ थी, उसको इतना भी नहीं पता था, जबकि वह इसी घर में हमेशा बनी रहती थी। आते ही उसने सुमी के बक्से और अटैची से अच्छी अच्छी साड़ियाँ और उसकी शादी के समय की साड़ी ये कहकर निकाल ली कि ये तो ननद का होता है, और भी उन्हें जो पसंद आया रख लिया। खैर, जब सुमी ने दोपहर का काम निपटा लिया, उसके बाद उसने देखा कि उसकी ननद उसके कमरे में अपने पति और बच्चों के साथ जाकर शिफ्ट हो गई। उसने तो सोचा कि हो सकता है ननद मजाक कर रही हो, मगर ये क्या, उसकी ननद निशा को सब बहुत मान देते थे। सुमी के पति भी उसे बहुत इज्जत देते और उनके पति को हर चीज दिलाते थे, जबकि वह अपने घर नहीं जाते, हमेशा मायके में अपने ससुराल में रहा करते थे। और सुमी के पति रोज शाम को उनको उनके कहने पर शराब भी दिलाने जाते अपने पैसे से। क्या करते, वो सोड़ना ही नहीं सहते थे। फिर देखा सुमी ने कि उसके दोस्त भी आने लगे। 2-3 दोस्त ऐसे थे जो पीने खाने वाले थे, और उन्होंने पूरे
कमरे का कबाड़ा कर दिया। जहां तहां पीने की बोतलें, नाश्ते की चीजें मैं बेड के नीचे ऐसे ही पड़ी रहती, क्योंकि निशा और उसके पति का रवैया ही ऐसा था। वह जल्दी नहाते तो थे नहीं और जहां तहां गंदगी फैलाई रखते। काम से तो निशा का कोई मतलब ही नहीं था। रात हुई जब सुमित के ये पतिदेव आए, खाना खाया और देखा कि उसकी बहन उसके कमरे में है, तो सुमित की सास ने जो जहां बताया अपने कमरे में उन्हें बिस्तर लगा दिया, वह वहीं सो गए। इधर सुमी को बगल के ही कमरे में सोफे पर जगह मिल गई। निशा ये सब देख रहे थे, लेकिन कैसा था उसका स्वभाव जो उसे नव विवाहित पति पत्नी के जोड़े को अलग करने पर भी अफसोस नहीं था। शुरू में तो निशा की माँ को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीत गए और उसने अपने बेटे को और बहू को दूर दूर और चुपचाप रहते देखा। तो एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी बहू सुमी से कहा कि आज तुम खाना खाकर पहले ही ऊपर अपने कमरे में चली जाना, उसके बाद जब वरुण आएगा मैं उसे खाना खिलाकर ऊपर भेज दूंगी। सुमी ये करना तो नहीं सहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसे जोर देकर बहुत जल्दी ही ऊपर उसके कमरे में भेज दिया। सुमी अपनी सास के रवैये से बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने देखा था कि निशा को कोई फर्क नहीं था, उसे तो सिर्फ अपने मौज मस्ती से मतलब था। निशा को ये भी नहीं महसूस हो रहा था कि उसके भाई वरुण और सुमी कैसे रह रहे हैं, उन पर क्या बीत रही होगी अभी, जबकि वो आपस में उतना खुले भी नहीं। दिन भर वरुण काम में व्यस्त और सुमी दिन भर किशन और स्वागत में।